हिंदी के विशेषज्ञ प्रवक्ता रामेंद्र शुक्ला शुक्ला क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सुप्रभात प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हरियाणा के पवन दूतिका का अग्रिम पदों की व्याख्या लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। छात्र इस वीडियो को एक से दो बार देखेंगे तो निश्चित रूप से ये व्याख्या उनके समझ में आ जाएगी। जैसा कि पूर्व के वीडियो में छात्रों मैंने बताया था कि अब व्याख्या का वह पैटर्न बदल गया है। अब निश्चित रूप से कोई पद देगा और उसमें 5 प्रश्न बनाए जाएंगे। सर्वप्रथम तो पहला प्रश्न यही बनेगा कि प्रस्तुत जो पद है उसके पाठ और लेखक कौन है, ये पद किस शीर्षक से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो निश्चित रूप से छात्र जितनी बार इसका वाचन कर लेंगे उतना ही उनको सरलता हो जाएगी समझने में कि अमुक पद किस पाठ से है। तो चलते हैं छात्रों, हम इसका भी वाचन करते हैं। आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद वाचन का अभ्यास जरूर कीजिएगा। आप जानते हैं प्यारे छात्रों कि इस पद में मंदाक्रांता छंद है और मंदाक्रांता वर्णिक छंद है और प्रत्येक चरण में आप गिन लें 17 वर्ण हैं। प्रथम 4 वर्णों पर यति है, दूसरी 6 वर्णों पर यति है और अंतिम 7 वर्णों पर चरांत यति है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं प्यारे छात्रों, इसको पढ़ लें। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए नव धुवन से औन भेजा संदेशा मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो प्यारे छात्रों, आपने देखा कि यहाँ पर विरहणी राधा जो कि पवन को अपना पवन के द्वारा अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास संदेशा प्रेषित कर रही है तो वो पवन को बतला रही है। हालांकि छात्रों आप जानते हैं कि पवन एक प्रकृति है, सशक्त इंद्रियों वाली नहीं है। निश्चित रूप से वह प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास संदेशा पहुंचाने में समर्थ है अथवा नहीं समर्थ है। इस संदर्भ में महाकवि कालिदास जी ने मेघदूतम में कहा था कि कामार्ता ही प्रकृति की पड़ा चेतना चेतनेशु, क्योंकि जो कामी व्यक्ति होता है वह कामी व्यक्ति वह इतना कृपण हो जाता है वह चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाता प्यारे छात्रों। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, राधा भी तनिक भी यही सोच रही है कि पवन सशक्त इंद्रियों वाली नहीं है, वह उनके संदेशों को भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा पाएगी या नहीं। लेकिन फिर भी वो कहती है, देखें कि मेरे प्यारे नव जगत से कंज से नेत्र वाले, उन्होंने कहा कि हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण जो नवीन बादल के समान शोभा वाले हैं या नवीन बादल कोमल भावनाओं का प्रतीक होता है, तो नवीन बादल के समान जो कोमल भावनाओं से युक्त हैं और कंज से नेत्र वाले और जिनके नेत्र कमल के समान हैं, कंज के समान हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो जाके आए नव मधुबन से, यानी इस मधुबन से, इस वृंदावन से जाने के बाद अभी वो लौट कर नहीं आए और न भेजा संदेशा और ना ही अपने आगमन का कोई संदेशा ही प्रेषित किया या अपने बारे में कोई संदेशा ही उन्होंने भिजवाया। मैं रो रो के प्रिय विरह से, ऐसे प्रिय के विरह से संतप्त होकर, मैं रो रो करके संतप्त होकर बावली हो रही हूँ, मेरी अवस्था पागलों जैसी हो गई है, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे प्यारे पवन, हमारी संपूर्ण दुखपूर्ण अवस्थाओं को भगवान श्री कृष्ण के समक्ष तुम जाकर बता दे। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस प्रकार से उसने भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया राधा ने और कहा मेरे प्यारे श्री कृष्ण जो नवीन बादलों के समान सांवले शरीर वाले हैं या नवीन बादलों की स्वभाव वाले हैं या नवीन बादलों के समान कोमल स्वभाव वाले हैं, कोमल भावनाओं वाले हैं, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, जो इस
मधुबन से जाने के बाद, इस वृंदावन से जाने के बाद अभी वह लौट कर नहीं आए और न ही कोई संदेशा भी प्रेषित किए। ऐसे प्रिय के विरह के कारण, ऐसे प्रिय के वियोग के कारण मेरा अत्यधिक रो रो करके मेरी अवस्था पागलों जैसी हो गई है। जाके मेरी सब दुख कथा और संपूर्ण हमारी दुखपूर्ण इन अवस्थाओं का वर्णन तुम जाकर के श्याम को तो सुना दे, श्याम के समक्ष, भगवान श्री कृष्ण के समक्ष तुम प्रकट कर देना। तो यहां पर छात्रों प्रश्न बनेगा कि राधा ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन के लिए किस किस उपमानों का प्रयोग किया। तो आपने यहां पर देखा उपमान, यहाँ जलद से उनको उपमान लिया, तो जलद के समान, बादल के समान कांति वाले शरीर की शोभा वाले हैं, या नवीन बादलों के समान कोमल स्वभाव वाले हैं, या कंज से नेत्र वाले और जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। और फिर यहाँ पर पूछा जाएगा कि विरह, किसकी विरह अवस्था का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो राधा की विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। राधा अपनी विरह अवस्था का संदेशा किसके द्वारा प्रेषित कर रही है, तो वह पवन, दूतिका पवन के द्वारा प्रेषित कर रही है। राधा किसके पास संदेशा भिजवा रही है, तो राधा भगवान श्री कृष्ण के पास संदेशा भिजवा रही है। अमुक पद में कौन सा छंद है, तो अमुक पद में मंदाक्रांता छंद है। अब चलते हैं प्यारे छात्रों, निश्चित रूप से हम इस रस की चर्चा कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यह प्रिय प्रवास से संकलित किया गया है पवन दूतिका का अंश। तो निश्चित रूप से प्रिय प्रवास पर है, भगवान श्री कृष्ण प्रवास पर है, नायिका अपने दुखपूर्ण अवस्थाओं को प्रेषित कर रही है। तो निश्चित रूप से इसमें कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। वो श्रृंगार का दो पक्ष होता है, एक संयोग का एक वियोग का। तो निश्चित रूप से इसमें कौन सा रस है, तो वियोग श्रृंगार रस है। तो वियोग श्रृंगार में आप जानते हैं प्यारे छात्रों कि मधुरता भी होती है, वियोग में भी मधुरता होती है। तो यहाँ प्रसाद एवं माधुरी गुण का मरिकांचन संयोग है। और प्यारे छात्रों आप जानते हैं कि ये प्रवास जो है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, इसलिए निश्चित रूप से इसमें कौन सी भाषा प्रयोग हुई है, तो कह देंगे आप इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और आगे चले प्यारे छात्रों, तो इसमें कौन सा गुण है, तो आप बता देंगे प्रसाद एवं माधुर्य गुण है। अलंकारों की चर्चा कर लेते हैं प्यारे छात्रों। यहाँ नेत्र कैसे हैं, कंज से हैं, सा सी सदृश सदृश से आदि यहाँ आता है, वह उपमा का द्योतक होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कंज से, तो कंज से में कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। और आगे आ जाए प्यारे छात्रों, रो रो, यहाँ रो रो देख रहे हैं, वही शब्द रिपीट हुआ है, तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है इसमें जाकर। और यहाँ पर मानवों की तरह व्यवहार कौन करेगी, किसको कहने करने के लिए कह रही है राधा, तो पवन है, पवन प्रकृति है, वह सशक्त इंद्रियों वाली नहीं है, अतः इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। तो तीन तीन अलंकार है, एक तो उपमा अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार और पूरे पद में मानवीकरण अलंकार है। तो मंदाक्रांता छंद, मानवीकरण अलंकार, भाषा खड़ी बोली, प्रसाद एवं माधुरी गुण का मणिकांचन संयोग, वियोग श्रृंगार रस। तो इतनी बातें प्यारे छात्रों आपको लिखना चाहिए और इससे बनने वाले सारे प्रश्न आप निश्चित रूप से उसका जवाब दे पाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। चले आ जाए दूसरे पद की ओर। ज्यों ही मेरा भवन सजतु अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे, तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना। तो क्या छात्रों आप किसे भी देखें, राधा ने पवन से कहा कि जो ही मेरा भवन पर तू अर्क आगे बढ़ेगी, हे पवन जैसे तुम्हारे हमारे इस घर को छोड़कर
हमारे इस संदेश को ग्रहण करके तुम हमारे घर को छोड़ करके थोड़ा आगे जाओगी, थोड़ा आगे रास्ता तय करोगी, तो सोहावाली सुखद कितनी मंजू पुंजे मिलेगी। तो सोहावाली यानी शोभा से संपन्न सुख प्रदान करने वाली कितने अनेक अनेक बनने वाले सुंदर अनेक सुंदर सुंदर कुंज के बगीचे मिलेंगे, तुम्हें दिखाई देंगे प्यारी छाया और उन बगीचों की मनोहर छाया मृदुल स्वर से और उसमें कोयल की मधुर गुंजार जो कि तुम्हें मोह लेगी, तुझे वे वह निश्चित तुम्हें मोहित करेगी, अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करेगी। लेकिन तो भी मेरा दुख लग, लेकिन फिर भी हमारी इस दुखपूर्ण अवस्था को देख करके जाना विश्राम लेना, वहां जाकर तुम विश्राम मत कर। ऐसा क्यों कहा होगा तेरा छात्र? क्योंकि निश्चित रूप से जो दूत होता है वह दूत तब तक उसको विराम नहीं लेना चाहिए जब तक वह संदेशों को अमुक जिस व्यक्ति का संदेशा लेकर जा रहा है, जिस व्यक्ति के पास जब तक उस व्यक्ति तक संदेशा नहीं पहुंचा लेता तब तक दूध को कहीं भी रुकना वजिब बताया गया है शास्त्रों में। तो यहाँ पर भी दूध के कार्यों का उद्बोध करा रही है राधा कि तुम जाकर वहां विश्राम न करना। हालांकि ऐसे बहुत से स्थल तुम्हें प्राप्त होंगे जो तुम्हें आकर्षित करेंगे, तुम्हें सुख प्रदान करेंगे, लेकिन वहां अपनी अवस्था पर तुम ध्यान मत देना, बल्कि यहाँ पर तुमने कह दिया तुम ही मेरा दुख लख, यानी वहां पर मेरा दुख देखना। हो सकता है कि वह मनोहर छाया, हो सकता है वह मनोहर सुख तुम्हें तुम्हारे शरीर को तो आह्लादित करे, लेकिन हमारे वहां हमारे द्वारा तुम भेजी गई हो इसलिए पाए हमारे दुख को देखना। तो इसलिए कहा कि तुम ही मेरा दुख लख, फिर मैं हमारे दुखपूर्ण अवस्थाओं को तुम देखना, वहां जाकर किसी भी प्रकार से आराम विश्राम न करना। तो एक बार फिर से देखें सबू जो ही मेरा भवन तेस्तु अर्प आगे बढ़े। उसने कहा कि हे कौन जो ही मेरे इस संदेश को ग्रहण करके हमारे स्वामी के पास हमारे घर को छोड़कर तुम कुछ रास्ता तय करोगी, अर्प आगे करोगी, थोड़ा दूर जाओगी तो शोभा वाली सुगंध कितनी मंजू पुंजी मिलेगी। तो अनेक शोभा से संपन्न सुख प्रदान करने वाली सुंदर कुंज के अनेक बगीचे तुम्हें सजे हुए दिखाई देंगे। प्यारी छाया उन कुंज वनों की मनोहर छाया जो मृदुल स्वर से और वहां पर भवनों और कोयलों की मधुर गुंजार जो तुम्हें मोह लेगी, तुझे भी जो तुम्हें आकर्षित करने का कार्य करेंगे, वह रमणीय वातावरण जो तुम्हें सुख प्रदान करने सदृष्ट होंगे। लेकिन तो भी मेरा दुख लग, फिर भी हमारे दुखपूर्ण अवस्थाओं को याद करके वहां जाकर विश्राम लेना, वहां जाकर तुम विश्राम आनंद मत लूटना, आनंद न प्राप्त करना, विश्राम मत। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि राधा ने दूत दूत कार्य के उपर संपन्न करने की सलाह किसको दिया? तो आप देख रहे हैं कि पवन को दिया, क्योंकि यहाँ दूत क्या कौन है? पवन है। अब पूछा जाए यहाँ पर कि कौन पवन को रोकने का कार्य करेगा? तो आप इसको पढ़ लिए हैं। तो निश्चित रूप से कुंज वनों की मनोहर छाया, कुंज वनों का वह सुंदर सौंदर्य उसको रोकने का कार्य करेगा। इसका जवाब देंगे पवन किसके पास संदेशा लेकर जा रही है? तो निश्चित रूप से बिरहणी राधा है, तो उसके नायक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये अपने प्रवास महाकाव्य से है, तो भगवान श्री कृष्ण के पास वह संदेशा लेकर जा रही है। इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा कि किसके दुखों को देखने की सलाह कौन को दी गई है? तो निश्चित रूप से छात्रों आप देखना यहाँ पर यह लिखा है दुख लख, या मेरा शब्द है, मेरा मतलब राधा का, तो किसके दुख को देखने की सलाह दी गई है? राधा का। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। प्रश्न पूछा जाएगा आमुक पद में कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद है छात्रों? मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता किस कोटि का छंद है? वर्णिक छंद है। मंदाक्रांता में कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। प्रथम 4 वर्णों पर यति, दूसरे 6 वर्णों पर यति और अंतिम 7 वर्णों पर चरणांत यति होती है। अब इसमें पूछा जाएगा कि आप बताएं इसमें कौन से शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? तो आप देख रहे हैं कि पूरे शब्द से वही अर्थ प्रकट हो रहा है, तो अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा 3 प्रकार की शब्द शक्तियां हैं, अभिधा लक्षणा और व्यंजना। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है मेरे छात्रों? अभिधा शब्द शक्ति है। तो कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। क्यों मानवीकरण है? क्योंकि मानव की तरह क्रियाएं कर रही है कौन? पवन। इसलिए यहाँ मानवीकरण पूरे पद में मानवीकरण अलंकार है। और यहाँ देखें बढ़ेगी मिलेगी, इसमें आप देख रहे हैं कि
अंतिम में आप गकार गकार मिल रहे हैं, तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार भी है। तो क्या छात्रों इतना, और इसके बाद वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार में प्रसादी को मालूम गुण का अंबरिकांचन संयोग, ठीक है ना। खड़ी बोली भाषा कौन सी, खड़ी बोली, ठीक है ना। तो इतना आप अगर पूरा लिख देंगे तो इससे जो भी प्रश्न बनेंगे वह निश्चित रूप से आपसे बन जाएंगे। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरी विश्वास है कि छात्र इस वीडियो को एक से दो बार देखेंगे तो कक्षा 12 के विद्यार्थी इन दोनों पदों की व्याख्या और इनसे बनने वाले प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो ठीक है प्यारे छात्रों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः अग्रिम पदों की व्याख्या लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आप कमेंट करके रिप्लाई जरूर कीजिएगा ताकि मुझे बल मिले और अग्रिम दिनों में मैं और कुछ सुधार करके आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।